हम आज बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एमसीक्यू टाइप्स के हैं। जैसे कि पता है आपको एमसीक्यू टाइप्स के 10 क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं जो बायोलॉजी से होते हैं, और ये सभी क्वेश्चन वन डे एग्जाम में बायोलॉजी से क्वेश्चन जो आते हैं उसी में के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे वीडियो को डेली देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरा जो है वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो अपने शिकार से लगातार धारा प्राप्त करता है तो उसको किसमें उड़ेल कर करता है, क्या चीज जो है उड़ेल कर करता है, हिपेरिन, हीरोडिन या इंसुलिन या पेप्सिन। तो उसमें किसमें किसको उड़ेल कर, हीरोडिन को उसमें उड़ेल कर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीच जो है उनका स्थानांतरण होता है तो बीज ज्वार क्या होता है, मादा क्यूलिकस द्वारा, मादा एनिफिलिस द्वारा, मादा एंडीज द्वारा या घरेलू मक्खी द्वारा। तो होता है मादा एंडीज द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार केंद्र पाया जाता है प्राणी कोष में, लाल शैवाल में, प्रोकैरियोट में या पुष्पित पौधों में। तो तार केंद्र पाया जाता है प्राणी कोष में, किसमें पाया जाता है, प्राणी कोष में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रोडक्ट हरित लौह में झिल्ली में उपस्थित होते हैं, किसमें, थायोक्लोराइड में या फोटोग्लोबिन के या मैट्रिक्स के या हरित लौह आवरण के। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोडक्ट जो होते हैं वो हरित लौह में झिल्ली में उपस्थित होते हैं, किसमें, कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी प्रोडक्ट हरित लौह में झिल्ली में उपस्थित होते हैं, थायलोकॉइड के या फोटोग्लोबिन के या मैट्रिक्स के या हरित लौह आवरण के। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोडक्ट किसमें होते हैं, थायलोकॉइड के, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है किसमें, हरे प्रकाश में, नीले प्रकाश में या लाल प्रकाश में या सफेद प्रकाश में। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो होती है सबसे ज्यादा लाल प्रकाश में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसमें होते हैं, लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सहजीवता सिम्बायोसिस का उदाहरण है, यूट्रिकुलेरिया, एगैरिकम, लाइकेन या आम। तो इसमें जो है लाइकेन जो होता है सिम्बायोसिस का सबसे अच्छा उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कौन सा होगा, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटस है जलीय, स्थलीय है या उभयचर होते हैं। तो जो ब्रायोफाइटस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उभयचर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का, हेक्सेन या मीथेन का, एसिटिक अम्ल या ब्रोमीन का या एस्कॉर्बिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल का। तो किसका है, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का होता है। राइबोसोम केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण के, प्रकाश संश्लेषण के या वसा संश्लेषण के या श्वसन के। तो राइबोसोम किसका केंद्र है, प्रकाश प्रोटीन संश्लेषण का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है, लाइकेन का, फर्न का, काली फफूंद का या मांस का। तो वायु में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो प्रदूषक होता है किसका, लाइकेन का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये 10 क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू टाइप्स के, और ये वन डे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सारे वीडियो जो बायोलॉजी से रिलेटेड है वो सभी वीडियो आप रिवाइज करते रहे, जिससे कि आपको जो है ये जीएस में जो बायोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।